सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को कृष्णा कुमार सिंह और उषा सिंह के घर पुण्य बिहार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूल शिक्षा पटना के सेंट करेन हाई स्कूल और फिर न्यू दिल्ली के खुलाजी हंसराज मॉडल स्कूल में की थी। सुशांत सिंह राजपूत पढ़ाई में अच्छे थे और ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने अपने पूरा जीवन में 11 इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के पास किया था। 2002 में उन्होंने अपनी माँ को खो दिया और उनका पूरा परिवार पटना से न्यू दिल्ली आ गए थे। उनकी एक बहन मीतू सिंह राज्य स्तरीय क्रिकेटर है। रिया और सुशांत सिंह की पहली मुलाकात 2013 में हुई थी, तब वो यशराज फिल्म की शुद्ध देसी रोमांस की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म के सेट के बाजू में यशराज फिल्म के एक और फिल्म में डेड के मारुति की शूटिंग चल रही थी, जिसमे रिया चक्रवर्ती हिस्सा ले रही थी। आसपास की शूटिंग करते वक्त दोनों की पहचान हो गई थी। इससे बाद दोनों की कुछ पार्टियों में मुलाकात हुई थी और फिर जान पहचान दोस्ती में बदल गई थी। सुशांत रिया से अपना नंबर एक्सचेंज कर चुके थे और फिर दोनों की फोन पर बातचीत भी होने लगी थी। जब सुशांत की रिया से जान पहचान बढ़ रही थी तो वो अंकिता लोखंडे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में थे। 2016 में सुशांत का अंकिता से साथ छूट गया। दोनों का 7 साल का पुराना रिलेशनशिप खत्म हो गया था। इस बीच सुशांत का नाम उनके गिरफ्तार की स्टार कृति सानन से जुड़ा। दोनों को वेडिंग का किस्सा भी काफी सुनने को मिला, हालांकि दोनों ने कभी भी अपना रिश्ते को खुलकर नहीं सिखवा की। इसके बाद 2018 में आई केदारनाथ में कोस्टर सारा अली खान के साथ भी सुशांत का नाम जुड़ गया, लेकिन फिल्म रिलीज के बाद ही दोनों रोमांस की किस्सा भी हवा हो गया था। इस बीच सुशांत रिया के टच में थे। दोनों ने 2019 की शुरुआत में लिव इन में रहना शुरू कर दिया था, हालांकि इस बीच भी दोनों ने अपना रिलेशन को लेकर खुलासा सामने नहीं किया। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत की गुत्थी अब तक सुलझी नहीं हो पाई है। इस मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई मुंबई में मामला की जांच में जुट रही है। अब तक सुशांत की स्टाफ से पूछताछ जारी है और जल्दी उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ की जाएगी। इस मामले में रिया की भूमिका काफी संदिग्ध माना जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत को 14 जून 2020 को दिन ही मुंबई के बांद्रा स्थित उनके घर में मृत पाया गया था। प्राथमिक सूचना के अनुसार उनके निधन का कारण आत्महत्या बताई गई है और बताया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले 6 महीने से अवसाद में थे। उनके मृत्यु के बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दिया है।